हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय स्टडी फीड ऑफ फिजिकल एजुकेशन चैनल। दोस्तों, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को लेकर के आपकी समझ आ गई हूँ। आप सभी रेडी हो जाइए क्वेश्चंस का प्रैक्टिस करने के लिए। आप किसी भी फिजिकल एजुकेशन कंपटीशन एग्जाम का प्रिपरेशन कर रहे हैं तो मेरे चैनल पे सभी प्रकार के वीडियोज अवेलेबल हैं। थ्योरी सेशन, एमसीक्यू प्रैक्टिस, वन लाइनर क्वेश्चंस, सभी प्रकार के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस प्रैक्टिस, सभी चीज़ें आप चैनल के प्लेलिस्ट में जाइए और स्टेप बाय स्टेप सब कुछ आपको मिल जाएगा। एंड दोस्तों, बीपीएससी तैयारी 3 को देने के लिए एंड एन एग्जाम को भी, किसी भी चीज़ को देने के लिए एग्जाम को, फिजिकल एजुकेशन की मैं तैयारी 2 में 79-80 वीडियोज़ का प्रैक्टिस कराई हूँ। सभी वीडियोज आप फिर से जाके देखिए। 11th 12th का जो क्लास, 11th 12th का मैराथन क्लास है, सभी चैप्टर का मैंने कराया है, उसको भी प्रैक्टिस कीजिए। और वन लाइनर क्वेश्चंस भी मैंने इससे पहले कराया हुआ है, तो ये आपका अभी जो वर्तमान में मैं आपको प्रैक्टिस करा रही हूँ, इसे डेली बेसिस पे आप प्रैक्टिस कीजिए। ये आपका 9वां वीडियो है, 8 वीडियो इससे पहले मैं प्रैक्टिस करा चुकी हूँ TRE 3 के लिए एंड जो भी आगे आने वाले एग्जाम्स हैं सभी के लिए। तो दोस्तों, चलते हैं आज के क्वेश्चंस की तरफ। क्वेश्चन है, संवेग को परिभाषित करते हैं। इमोशन यानी संवेग, इसको मोमेंटम भी कहा जाता है, जो हमारे अंदर की भावनाएं उत्पन्न होती हैं, सुख दुख क्रोध आनंद खुशी, ये सभी संवेग है, इमोशन है। ये मूवर शब्द से बना हुआ है। ठीक है दोस्तों, ये क्वेश्चन आया भी था। तो संवेग को परिभाषित करते हैं यहाँ पे क्षोभ के रूप में, आपका राइट आंसर हो जाएगा क्षोभ की। ये भावनाओं जो होती हैं वही आपका संवेग होती है, तो यहाँ क्षोभ के रूप में नहीं होगा दोस्तों, लेकिन यहाँ पे आंसर दिया है क्षोभ के रूप में, इसको भाव के रूप में होना चाहिए था, लेकिन क्षोभ के रूप में भी राइट हो सकता है, क्योंकि जो हमारे संवेग होती हैं, इमोशंस होते हैं, सकारात्मक नकारात्मक दोनों प्रकार की होती हैं। सकारात्मक जैसे खुशी का, खुशी होना, आनंदित होना, भावविभोर होना, एंड नकारात्मक में आपका क्रोध आना, दुख होना, ये सभी चीज़ें होती हैं। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक भरोसेमंद मनोवैज्ञानिक जांच का अर्थ है। तो एक भरोसेमंद मनोवैज्ञानिक जांच में दोस्तों माप की सुसंगति होना चाहिए सभी प्रकार से। नेक्स्ट है, प्रथम बुद्धि जांच यानी परीक्षण किसने विकसित किया। तो दोस्तों, प्रथम बुद्धि परीक्षण 1905 में विनट ने और साइमन ने किया था। तो बुद्धि परीक्षण को सबसे पहले 1905 में विनट साइमन ने किया था। एंड जो IQ है, मानसिक बुद्धि लब्धि को ज्ञात करने की जो सूत्र होता है, मेंटल एज अपान क्रोनोलॉजिकल एज गुणे 100, इस सूत्र को दिया है टर्मैन ने। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है, विकास की प्रक्रिया में गैंग एज पद शब्द कब आते हैं। तो गैंग एज, आंधी तूफान का एज, ये सभी दोस्तों वयः संधि यानी कि किशोरावस्था में आता है। नेक्स्ट है, ज्ञान यानी कॉग्निशन का संबंध है। कॉग्निशन यानी कि इसमें ज्ञान से संबंध होता है। तो कॉग्निशन यानी ज्ञान की सीखने से है, स्मृति से है, रचनात्मकता से है, इन तीनों चीजों को कॉग्निशन यानी ज्ञान से संबंध है। यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। एंड नेक्स्ट है, इनमें कौन प्राथमिक पीड़ा नहीं है। तो अभिपीड़ा दो प्रकार की होती है, आंतरिक और बाह्य, या प्राथमिक या द्वितीयक, या प्राकृतिक या कृत्रिम। यहाँ पे जो क्षुधा है यानी भूख, तृष्णा यानी प्यास, एवं ये तीनों के तीनों प्राथमिक पीड़ा है दोस्तों, लेकिन राग जो है वो द्वितीयक पीड़ा है। एंड नेक्स्ट है, संस्थापित यानी क्लासिकल अनुकूलन की प्रक्रियाएं हैं।
तो क्लासिकल अनुकूलन यानी संस्थापित अनुकूलन की प्रक्रियाएं हैं सामान्यीकरण, विभेदीकरण, विलोपन, ये सभी हैं। नेक्स्ट है शारीरिक शिक्षा के छात्रों को मनोविज्ञान की शिक्षा दी जाती है क्यों? ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है कई बार, क्योंकि ये मनोविज्ञान जो है वो व्यवहार से संबंधित है, इसलिए शारीरिक शिक्षा के छात्रों को मनोविज्ञान की शिक्षा दी जाती है कि कठिन परिस्थितियों में, आक्रामक स्थिति में अपने आप को कैसे मैनेज करें। नेक्स्ट है मनोवैज्ञानिक जांच में प्रतिमान को परिभाषित किया जाता है। तो यहाँ पे मनोवैज्ञानिक जांच में प्रतिमान को कैसे परिभाषित किया जाता है, तो मनोवैज्ञानिक जांच में प्रतिमान को स्थापित किया जाता है टीम का औसत निष्पादन निकाल करके। नेक्स्ट क्वेश्चन है दाव यानी स्ट्रेस यानी जो चिंता होती है कौन सा स्तर खिलाड़ियों के निष्पादन में वृद्धि लाता है? तो दोस्तों एक ऑप्टिमल जो अनुकूलतम मध्यम लेवल का स्ट्रेस होता है, दबाव होता है, चिंता होता है, वो आपके निष्पादन में यानी कि परफॉर्मेंस में वृद्धि करता है। नेक्स्ट है श्रेष्ठ खिलाड़ी प्रायः व्यक्तित्व की कुछ विशेषताओं से संपन्न होती हैं, उसका उदाहरण क्या है? जो श्रेष्ठ खिलाड़ी होती है दोस्तों यहाँ पे आक्रामकता जो है उसमें होता है, वो भी आक्रामकता दो प्रकार के होते हैं, एक जानबूझकर किया गया, जानबूझकर उसको चोट पहुंचाने के लिए आक्रामकता, एक अपने आप को अच्छे प्रदर्शन के लिए आक्रामकता। तो यहाँ पे श्रेष्ठ खिलाड़ी प्राय व्यक्तित्व की कुछ विशेषताओं से संपन्न होती हैं, तो वो होता है आपका आक्रामकता। नेक्स्ट है दोस्तों मनो यौन भावना का विकास कब होता है? तो यह किशोरावस्था में होता है। नेक्स्ट है उपलब्धि अभिप्रेरणा के अध्ययन से सबसे अधिक जुड़ा हुआ मनोवैज्ञानिक है, तो उपलब्धि अभिप्रेरणा से सबसे अधिक जुड़ा हुआ है एकलिन लैंड। नेक्स्ट है मानसिक व्यय की अवधारणा किसने प्रस्तुत किया? तो दोस्तों मानसिक व्यय की अवधारणा सबसे पहले प्रस्तुत किया था मानसिक बुद्धि का बिनट ने 1905 में। नेक्स्ट है CNS यानी सेंट्रल नर्वस सिस्टम से पेशियों की ओर जाने वाले आवेग कहे जाते हैं। तो दोस्तों जो हमें हमारे जो न्यूरॉन्स होते हैं वो सेंसरी न्यूरॉन एंड मोटर न्यूरॉन एंड इंटरमीडिएट न्यूरॉन होता है। जो सेंसरी न्यूरॉन होता है यानी अभिवाही न्यूरॉन होता है, तंत्रिका होता है, वो हमारे ज्ञान इंद्रियों से ज्ञान को लेकर यानी संदेशों को लेकर हमारे CNS यानी सेंट्रल नर्वस सिस्टम से पर पहुंचाता है, वो अभिवाही करता है, और फिर वहां से विश्लेषण करके सेंट्रल नर्वस सिस्टम से जो मोटर नर्व होता है अपवाही धमनिका, अपवाही मतलब आवेग जो तंत्रिका होती है, वहां से संदेशों को पुनः उसका जवाब लेकर के हमारे पेशियों तक आता है। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए अपवाही, यानी आपको इंग्लिश में दिया रहेगा तो यहाँ पे मोटर नर्व होगा, अपवाही मतलब मोटर नर्व जो हमारे मस्तिष्क से संदेशों को पेशियों तक लाते हैं, अभिवाही मतलब सेंसरी नर्व जो हमारे ज्ञानेंद्रियों से संदेशों को मस्तिष्क तक यानी सेंट्रल नर्वस सिस्टम तक पहुंचाती है। नेक्स्ट है ज्ञान का सरलतम रूप क्या है? तो दोस्तों ज्ञान का सरलतम रूप है संवेदना। ज्ञान का सरलतम रूप क्या है? संवेदना, जो भावनाएं होती हैं हमारे अंदर वो ज्ञान को उपलब्ध करने में हमारी सहायता करती है। नेक्स्ट है सुषुम्ना का क्रियाशील विभाग है, तो जो हमारी सुषुम्ना होती है स्पाइनल कॉर्ड होती है
वो प्रतिवर्ती क्रियाओं का संचालन करता है जो हमारे रीढ़ की हड्डी के बीचों बीच जाता है। तो सुषुम्ना का क्रियाशील भाग है दैहिक संवेदी, यानी मोटर एंड सेंसरी दोनों प्रकार के कार्य यहाँ पे विभाग होता है। यानी से मोटर नर्व एंड सेंसरी नर्व दोनों ही क्रियाशील होकर के मस्तिष्क जाती है, मस्तिष्क से हमारे पेशियों तक आती है। नेक्स्ट है दोस्तों, प्रशिक्षण के परिणाम स्वरूप परिभाषित अनुक्रिया को क्या कहते हैं। प्रशिक्षण के परिणाम स्वरूप परिभाषित अनुक्रिया को अनुबंधित प्रतिवर्त बोला जाता है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, इसी प्रकार के क्वेश्चन आपको मिलते हैं और आप जब नहीं पढ़ते हैं, जो मैं आपको करा रही हूँ आपके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट है, खेल कूद का कार्य निष्पादन किसका उप परिणाम है। तो जो भी खेल कूद का कार्य निष्पादन आप करते हैं, इसके पहले जो भी आपने प्रशिक्षण लिया है, जो भी सीखा है, यानी आपके संपूर्ण व्यक्तित्व का परिणाम होता है। ठीक है, जो आप खेल कूद परफॉर्मेंस करते हैं वो आपके संपूर्ण व्यक्तित्व का, आपने क्या सीखा है, क्या स्किल लिया है, आपके मनोभाव कैसे हैं, एंड सभी चीजें आपको मैटर करता है। नेक्स्ट है, प्रथम कायांतरण किस उम्र के बीच होता है। तो प्रथम कायांतरण जो है 7 से 10 वर्ष के उम्र के बीच होता है। नेक्स्ट है, आत्म शिक्षण को प्रोत्साहित करने की सर्वाधिक प्रभावी विधि है। तो दोस्तों, अपने आप अपने शिक्षण को, आत्म शिक्षण को प्रोत्साहित करने की सबसे प्रभावी विधि है निरीक्षण विधि। नेक्स्ट है, शरीर और मन के संबंध का सिद्धांत सर्वप्रथम किसने प्रतिपादित किया। तो दोस्तों, शरीर और मन के संबंध का सिद्धांत सर्वप्रथम परिभाषित किया प्लेटो ने। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं। नेक्स्ट दोस्तों, मैं सोचता हूँ इसलिए मैं हूँ, यह किसने कहा है। तो डेकार्ट ने कहा है कि मैं सोचता हूँ इसलिए मैं हूँ। नेक्स्ट है, स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मन होता है। साउंड माइंड लिव इन साउंड बॉडी। तो इस बात को कहे हैं अरस्तु। ठीक है, राजस्थान में इसको प्लेटो में माना जाता है, लेकिन आप अन्य सभी एग्जाम्स में इसको अरस्तु ही माना जाता है। नेक्स्ट है, शिक्षण की अनुवांशिक कारक हैं। तो दोस्तों, अनुवांशिक कारक में जो हमारी हेरिडिटी होती है, जो जन्म से आपको विद्यमान होते हैं, जैसे कद और वजन, शारीरिक गठन, शारीरिक संरचना, ये सभी अनुवांशिक कारक हैं। तो उपरोक्त सभी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, स्वजनित प्रशिक्षण एक विधि है। तो स्वजनित प्रशिक्षण इसकी एक विधि है। तो दोस्तों, यह शरीर में शिथिल लाने की एक विधि है। स्वजनित प्रशिक्षण जो है शरीर में शिथिल लाने की एक विधि है। नेक्स्ट है, दाब यानी स्ट्रेस की स्थिति कैसी होती है। तो दोस्तों, हमेशा कार्य निष्पादन के लिए हानिकारक होती है दाब यानी स्ट्रेस यानी चिंता की स्थिति। ऐसा क्वेश्चन पूछे तो हमेशा हानिकारक होगा। जब कहे कि स्ट्रेस की स्थिति कैसी होनी चाहिए, तो ऑप्टिमल यानी मीडियम होना चाहिए। नेक्स्ट है, प्रतियोगिता खेल से संबंध हिंसा का मुख्य कारण क्या है। तो दोस्तों, प्रतियोगिता खेल से संबंध में हिंसा का मुख्य कारण होता है। तो प्रतियोगिता खेल में हिंसा का मुख्य कारण होता है प्रजातीय, धार्मिक अथवा राष्ट्रीय आधार पर दर्शकों की टीमों के साथ एकात्मकता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सीखने में व्यक्तिगत कारक है। तो दोस्तों, सीखने में व्यक्तिगत कारक क्या होगा। अनुवांशिक कारक भी होगा, उपयुक्तता भी होगा, मनोवैज्ञानिक कारक भी होगा। ये सभी सीखने के व्यक्तिगत कारक हो जाएंगे। तो इनमें से सही आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है, गेस्टाल्ट ने कौन सा सिद्धांत प्रतिपादित किया था। तो दोस्तों, गेस्टाल्ट ने सीखने का सिद्धांत प्रतिपादित किया था, क्योंकि प्रयत्न और भूल का सिद्धांत थॉर्नडाइक ने किया था। अनुकूलन सिद्धांत, अनुकूलित अनुक्रिया,
पावलोव ने किया था, तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सीखने का सिद्धांत, यानी को भी सीखने के क्षेत्र सिद्धांत। सीखने के सिद्धांत को दो भागों में बांटा गया है, एक व्यवहारवादी एक गेस्टाल्टवादी। व्यवहारवादी जो है सीखने का उद्दीपन अनुक्रिया सहचर्य सिद्धांत से संबंधित है, जबकि गेस्टाल्टवादी जो है सीखने के क्षेत्र सिद्धांत से रिलेटेड है। तो यहाँ पे जो गेस्टाल्ट में आता है आपका सूझ या अंतर्दृष्टि का सिद्धांत, जिसे कोहलर ने दिया था। सामाजिक अधिगम का सिद्धांत अल्बर्ट बंडूरा ने दिया था। एंड संज्ञानात्मक सिद्धांत जीव पियाजे ने दिया था। एंड व्यवहारवादी में सीखने का ट्रायल एंड एरर सिद्धांत या प्रयास त्रुटि सिद्धांत थॉर्नडाइक ने, एंड शास्त्रीय अनुबंधन या प्रतिबंधित अनुक्रिया या अनुकूलित अनुक्रिया का सिद्धांत पावलोव ने, अक्रिया प्रसूत अनुबंधन या सक्रिय अनुकूलित अनुक्रिया का सिद्धांत स्किनर ने, जो चूहे पर प्रयोग किए थे, और पुनर्बलन या प्रगलन का सिद्धांत हॉल ने, समीपता का सिद्धांत गुथरी ने दिया था। जो व्यवहारवादी है वो सीखने का मुख्य सिद्धांत आधार अंश से पूर्ण यानी सीखने की प्रक्रिया छोटे छोटे टुकड़ों में बांट कर किया जाना चाहिए, और पुनर्बलन अनुक्रिया उद्दीपन अभिव्यय को महत्व देते हैं। जबकि जो गेस्टाल्टवादी होते हैं, संज्ञानात्मक जो होते हैं, वो सीखने को पूर्ण से अंश के तरफ ले जाते हैं, यानी समस्या का समग्र रूपों का अवलोकन किया जाता है, फिर कार्य शुरू किया जाता है, जैसे कि चिंपैंजी पर कोहलर ने प्रयोग किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फीडबैक विधि है। फीडबैक यानी कि जो अंतिम परिणाम आता है उसमें क्या आप में प्रगति हुआ और क्या सुधार करने की जरूरत है। तो दोस्तों फीडबैक हमेशा जो होता है वह हमेशा सीखने के लिए सहायक होता है। नेक्स्ट है, शारीरिक कुशलताओं को सीखने का संबंध किससे है। तो दोस्तों शारीरिक कुशलता, जब भी शारीरिक कुशलता गति और अंगों की बात आए, वहाँ पे मोटर शब्द अवश्य रहेगा। तो जो गति होगा वो मोटर से रिलेटेड होगा। तो शारीरिक कुशलताओं को सीखने का संबंध है, शारीरिक स्किल को सीखने का संबंध है मोटर लर्निंग से। किससे संबंध है? मोटर लर्निंग से। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है, स्वाभाविक अभिप्रेरणा का एक नाम यह भी है। दोस्तों स्वाभाविक अभिप्रेरणा जो है वो मोटिवेशन दो प्रकार के होते हैं, आंतरिक और बाह्य। आंतरिक को हम स्वाभाविक या प्राकृतिक भी कह सकते हैं, और वह अभिप्रेरणा को अस्वाभाविक अभिप्रेरणा भी कह सकते हैं। तो यहाँ पे स्वाभाविक अभिप्रेरणा का एक नाम यह भी है। तो क्या है? आंतरिक अभिप्रेरणा, जैसे दुख सुख, जैसे भूख लगना एंड भोजन को देखकर लाल टपकना, ये स्वाभाविक अभिप्रेरणा है, यानी आंतरिक अभिप्रेरणा है। जैसे पुरस्कार प्राप्त करना, किसी से शाबाशी प्राप्त करना, ये वह अभिप्रेरणा है। नेक्स्ट दोस्तों, मानव मनोविज्ञान का अध्ययन सीमित है। तो मनोविज्ञान का अध्ययन वर्तमान में जो है वो व्यवहार तक सीमित है। यानी क्वेश्चन पूछा जाता है कि मनोविज्ञान किसका विज्ञान है, तो व्यवहार का विज्ञान है। जैसे कि आप सबको पता है कि मनोविज्ञान को सबसे पहले आत्मा का विज्ञान, फिर मन का विज्ञान, फिर चेतना का विज्ञान, फिर व्यवहार का विज्ञान कहा गया। लास्ट में जो व्यवहार का विज्ञान कहा गया वही अभी तक चल रहा है। नेक्स्ट है, मनोविज्ञान में कौन सीखने का एक नियम है। तो दोस्तों निम्नलिखित में कौन सीखने का एक नियम है। तो दोस्तों सीखने का नियम, तत्परता का नियम, अभ्यास का नियम, प्रभाव का नियम, ये तीनों सीखने का नियम है। उपरोक्त सभी यहाँ पे राइट होगा, इन तीनों को दिया है थॉर्नडाइक ने। नेक्स्ट है, मानसिक विकास के अंतर्गत शामिल है। दोस्तों मानसिक विकास जिसका अच्छा होगा वो विवेचना एंड चिंतन अच्छा करेगा। तो विवेचन एंड चिंतन यहाँ भी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित विधियों में किसके द्वारा संवेगात्मक ऊर्जा को वांछनीय माध्यम प्रदान किए जाते हैं। तो वह होता है विरेचन के द्वारा। ठीक है, विरेचन के द्वारा। तो दोस्तों ये था आज के वीडियो में, मैंने मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन को
प्रैक्टिस कराया। आई होप कि सभी क्वेश्चंस आपको समझ में आए होंगे। जिस क्वेश्चंस में डाउट होगा कमेंट में जरूर बताइए और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो शेयर भी किया कीजिए दोस्तों, जिससे और लोगों तक वीडियो पहुँच सके। तो मिलते हैं नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।